दोस्तों आज हम आप लोगों को बताते हैं कि गुड़ तैयार कैसे होता है। ठीक, आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है। ठीक, ये देखिए हमारे पास इसको गणास बोलते हैं। ठीक, इसी से हम गन्ना काटने चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए ये हमारा गन्ना का पेड़ है और तो काट दिए हैं, थोड़ा सा और बचा तो हमने सोचा कि इसको भी काट दें। ये जितना हमारा गन्ने का पेड़ है इसको सब हम काट देते हैं। इसको काटने के बाद हम एक जगह इसको इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद ये छीला जाता है और छीला कैसे जाता है आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले एक बात इसको हम रख दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम इसको गन्ने का पेड़ लेते हैं। ये इनकी पत्तियों को हम सबसे पहले साफ करते हैं। और ये जो बच जाता है इसको अगाव बोलते हैं। अच्छा, अगाव। अगाव इसको हम भैंस गाय जैसे पाले रहते हैं तो उसको खिला देते हैं बाल के चारा वाली मशीन में। गुड़ ऐसे नहीं तैयार हो जाता, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी के ऊपर अगर छोड़ दोगे कभी नहीं कर पाएगा, पूरा दिन का दिन लग जाता है इसी में। क्योंकि इसको हम शुद्ध देसी गुड़ जो कहते हैं ना, तो दोस्तों आपने देखा कि हम इसको छीलते कैसे हैं। ठीक, इसके बाद छीलने के बाद इसको हम साफ कैसे करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। ये इसको हम पूरी तरह से साफ करते हैं और एक नहीं ये जितना दिख रहा है आपको ये पूरा, क्योंकि इसमें तीन कराह रस निकलेगा तो लमसम 10-30 किलो गुड़ हमारे पास तैयार हो जाएगा देसी गुड़। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो भी खाता है वो जान लेता है कि हाँ शुद्ध देसी गुड़ खा रहे हैं। खांसी के लिए वैसे भी जैसे ठंडी का सीज़न है तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई गुड़ की चाय पीजिए। ठीक, इसी हिसाब से हम लोग, क्योंकि हम लोग तो गांव देश के आदमी हैं तो हमारे यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि हाँ भाई देसी गुड़ पानी पीने के लिए और सब। दोस्तों अभी आपको ये नहीं पता होगा कि हम पेराई करते कैसे हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि पेराई करते कैसे हैं। ठीक, जब इसको हम पूरा समेट लेंगे
तो एक थैलिया हमारे पास है, हम उस पर इसको लाद के अरे लमसम 1-1.5 किलोमीटर हमें जाना पड़ता है। वहाँ पे हम मशीन है, गड़ी है, वहाँ पे उसको हम पेराई करते हैं। पेराई करने के बाद फिर उसको लाते हैं हम यहाँ पे हमारे घर के पास में, यानी कि गड्ढा खोद के उस पर कराह रख के उसको नीचे से फिर आग लगाई जाती है, उसको पकाते हैं। यानी कि 2-3 जितना ये हमारा दिख रहा है इसको हम एक दिन में पकाएंगे, लमसम हमें 8 बज जाएगा। सुबह अगर हम 7 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 8 बज जाएगा पकाते पकाते। पकाने के बाद जब तैयार हो जाएगा तो हम ही नहीं, इसको हमारे गांव देश के लोग और जितने यार दोस्त हैं सबको खिलाते हैं कि हाँ भाई देखिए पसंद करिए कैसा है कैसा नहीं दोस्तों। और हम आपको इसके एक दिन में तो स्टार्ट होता नहीं है क्योंकि अभी हमें और मेहनत करनी पड़ती है। इसको ले जाएंगे अभी तो आज तो खाली सफाई होगी इसकी, इसके बाद कल ले जाएंगे हम इसको पेराई करने। ठीक, तो हम अब देखिए इसकी पेराई करने चल रहे हैं गन्ने की। यानी कि अब इसको इतनी मेहनत से मुझे ले जाना पड़ेगा, ऊंच खाल ऐसे खड़िंजा है ये है, यानी कि अब इसकी पेराई करने हम चल रहे हैं। अभी हमने आपको बताया ना कि हम गन्ना पेरने चल रहे हैं ना, तो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हमें सफाई पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, हाँ, क्योंकि ये लमसम 1 साल हो गया इसको मशीन को खड़े हुए। सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं, जैसे इसमें जंग लग जाता है और जो इसमें कुछ पानी आता है कुत्ते चाट लेते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले सफाई पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मिस्त्री इसको हम एकदम साफ कर दे रहे हैं जिससे कोई अगर इसको खाए तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ भाई साफ सुथरा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको चारों तरफ से पूरा साफ करते हैं। इसको साफ करने के बाद फिर हम इस पे पानी डालते हैं साफ होने के लिए। इतना तो हमने कर दिया है पर अभी हमें लगता है पूरा अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसमें हम एक गन्ना डालते हैं। इसके बाद इसको हम चलाते हैं तो जब ये चारों तरफ घूम जाएगा तो जो निकलेगा वो गंदा रस निकलेगा, उसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे।
देखा, हमने गन्ने को पूरी तरह से पेर लिया, यानी पेरने का मतलब हमने पूरा रस निकाल लिया है। अब इसको ले चलते हैं हम गुड़ बनाने के लिए, इस रस को पकाने के लिए। आइए देखिए, हमने पूरे रस को डिब्बे में रख दिया है। अब इसको लेकर चलते हैं हम गाँव में, पकाते हैं इसको। 1 किलोमीटर से हमें ले जाना पड़ता है, फिर 1 किलोमीटर बाद हमको लेकर वापस आना पड़ता है। इसके बाद हम इसको चल रहे पकाने के लिए। गन्ना के रस लेके आए हैं, अब इसको हम कराह में डाल रहे हैं। इसी तरह से हम इसको पूरा रस छान के डालेंगे इसके इसमें। ये किनारे रख देते हैं, गाय या भैंस को भी दे देते हैं इसको। इसके बाद और रस को ऐसे उठाते हैं, आराम आराम से। तो आप लोगों ने देखा कि हमने पूरा रस पका के उतार लिया है। अब इसके बाद इसकी भेली जब तैयार हो जाएगी तो ये गुड़ कहलाएगा। फिर अब देसी गुड़, जय दे तो फिर सबका खोले हम प्लेट में। क्या करता है? गुड़ जो है गुड़ खा रहे हैं, इसको समेट रहे हैं। भैया बाजारिया लगे नीचे टिकिया बना आओ क्या सारे आटा मिले कि सब दरे रहा तुम जाए के तो हमारे जैसे तो सोचा भाई पना वाला बारे में से तो हमन जैसे तोहरे वो छूटे कि हम आटा मिलावा बा हम खजाना हां रोट रहा है। हां हां लेकिन साहब के सिवाय ऐसा कहूँ आई थी कुछ नहीं लगा। अब बांधे जात रहे थे। हाँ क्या वह बंधा था? बांधे बांध दे ये भैया गोली न्याय दे है अब वो एक हो गए ये वो इसे बताते हैं ये वही जो चॉकलेट बनती है। ए चॉकलेट बनवावा, चॉकलेट बन गया, गुड़ का नहीं बना। चॉकलेट बन गया, टिक्की नहीं बनी। हमका